और जब जब सत्ता हिलने की स्थिति होती है, लगता है कि मेरा सरकार जा रहा है, तो फिर से एक बार गिनती करा देते हैं। मैं बिहार के इस बड़े पिछड़ेपन पर अगर अपनी आवाज उठा करके आपका नायक और नेता बन सकता हूं, तो मैं इसी अभियान के लिए आपके बीच में। और अभी हाल फिलहाल मीडिया में जसवंत जी बड़ा चल रहा था और सोशल मीडिया में भी कुछ कुछ चल रहा था। हमने छपड़ा में एक ही बात कह दिया और हमने छपड़ा में कहा कि राजीव प्रताप रूडी अब गरीबों की बात करता है और मैं गरीबों का सेवा करता हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जितना मेरे क्षेत्र में कोई गरीबों की सेवा नहीं करता है। तो इसी बात को लोगों ने कहा कि अब ये अकेले गरीबों की सेवा करते हैं और अब ये पार्टी में आगे निकल जाएंगे, अब ये फलाने दावेदारी कर दिए। भाई मैं कोई दावेदारी कहीं नहीं कर रहा हूं। देश के आंदोलन में चाहे महात्मा गांधी हो या गुजरात से चिंगारी निकल के बिहार पहुंचा, तो जयप्रकाश नारायण ने कभी नहीं कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। जयप्रकाश ये एक नायक थे, एक नेता थे। मैं बिहार के इस बड़े पिछड़ेपन पर अगर अपनी आवाज उठा करके आपका नायक और नेता बन सकता हूं, तो मैं इसी अभियान के लिए आपके बीच में। मेरा इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है, मेरा इससे बड़ा कोई। और आप पूछेंगे कि अभियान, तो देखिए एक सच्चाई, और यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे कि बिहार का ये तस्वीर देखिए। और कोई राजनेता में इतना दम नहीं है, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, जो ये सच्चाई आपके सामने रख सके। और इसीलिए विवाद पैदा होता है, क्योंकि मैं सच्चाई बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं। और बिहार के गरीबी का ये नक्शा देखिए, और ये अगर चित्र देखेंगे तो ये मेरा बनाया हुआ चित्र नहीं है, ये चित्र योजना आयोग का है, जो भारत की पूरे प्रगति का प्रतिवेदन देता है। और देश के नक्शे पर अगर लाल में कोई प्रांत दिख रहा है, तो वो बिहार है। और ये बिहार जहां 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, आज भारत में अगर सबसे गरीब प्रांत है तो वो बिहार है। और हम लोग यहां नीति बनाते हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं, हम लोग अपना जातीय गिनती करते हैं। हमें तो समझाया गया था कि भाई पिछड़ा को आगे बढ़ाने का हम लोग राजनीति करते हैं, और पिछड़ा को आरक्षण देंगे तो उसे आगे ले जाएंगे। और जब सरकारी तंत्र कोई व्यवस्था करता है, कोई सरकार अगर नीति बनाती है, तो वो कहती है कि हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन बिहार में जो नीति बनता है, वो पिछड़े पीछे ले चलने का होता है। तो इस पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा, आप मेरे पुराने कार्यक्रमों को देख लीजिएगा कि बिहार में जब 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 सत्ता हिलती है, तो गिनती कराने का काम शुरू हो जाता है। और जब जब सत्ता हिलने की स्थिति होती है, लगता है कि मेरा सरकार जा रहा है, तो फिर से एक बार गिनती करा देते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि समस्तीपुर में मैंने यह भाषण दिया था 6 तारीख को, और 7 तारीख से गिनती शुरू होने वाली थी। और इस कार्यक्रम का परिणाम हमने बिहार के लोगों को दिखा दिया है, और इस कार्यक्रम का परिणाम 2 स्पष्ट रूप से निकल के आया। और जब बिहार में राजीव प्रताप रूडी का दौरा हुआ, तो मैं नहीं कहता हूं कि मैं करनी सेवा का सदस्य हूं या महाराणा प्रताप जयंती आयोजित कर रहा हूं,